आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों स्कोडा ऑक्टाविया के बारे में। सबसे पहले इसका फ्रंट लुक दिखा देता हूं मैं आपको, किस तरह से यह रहने वाला है। और देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह का आपको LED DRLs मिल जाती हैं, और साथ ही में आपको जो इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो दो यूनिट्स में मिलते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको LED DRLs लुक देगी पूरा का पूरा। और हेडलैम्प वॉशर आपको इसमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। ऑक्टाविया का एलेंट के वेरिएंट रहने वाला दोस्तों ये लावा ब्लू कलर, और जो सुपर वगैरह है उसमें आपको एड ऑन हो जाते हैं इसमें हेडलैम्प वॉशर वगैरह। उसके जस्ट बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कॉर्निंग फॉग लैंप्स वगैरह आपको LED में मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी हुई है, और साथ ही में एयर कटिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, स्पोर्टी लुक दिया हुआ है पूरा का पूरा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी हनीकॉम ग्रिल आपको पूरी की पूरी इसमें यूज़ की गई है, तो एनहेंस कर देती है काफ़ी ज़्यादा लुक इसका पूरा का पूरा। और एयर कटिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग इसमें यहाँ पे भी आपको एयर कटिंग्स दी हुई बम्पर में भी, तो ये भी एक बात है देखने वाली। और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको पूरे के यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो 2.0 TSI पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर आपको जनरेट करके निकालता है। 320 Nm का टॉर्क आपको प्रोवाइड करवा देता है दोस्तों। और अब करते हैं इसके साइड लुकिंग की बात, साइड से किस तरह से रहने वाली ये गाड़ी। तो देख सकते हैं आप लोग इसमें कुछ इस तरह का रहने वाला है पूरा का पूरा इसका लुक। और अलॉय व्हील्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं इसके दिखने में, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का प्रोफाइल मिल जाता है अलॉय व्हील्स का। और टायर सेक्शन की अगर बात करें दोस्तों तो आपका रहने वाला है इसमें R17 का टायर, 205/55 R17 का आपको इसमें एज इट इज़ रहने वाला है टायर सेक्शन साइज इसका। और अगर इसकी GC की बात करें तो 137 mm का आपको जिसमें GC मिल जाता है, जो काफ़ी ठीक ठाक दिया हुआ है। और जो इसके स्पोर्टी लुक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एनहेंस करते हैं। और LNK की आपको यहाँ वेजिक मिल जाती है, लॉरेंट एंड कैलमेट की, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है दिखने में। ये जिस स्कोडा के फाउंडर रहने वाले हैं तो इसकी भी बैजिंग आपको मिल जाती है, क्योंकि LNK वेरिएंट आपको इसमें रहने वाला है। जस्ट अगर बात करें दोस्तों इसके ORVM की, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है इसमें, और कलर्स काफ़ी ज़्यादा प्यारा और लावा ब्लू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, पूरा का पूरा मेटेलिक कलर है। यहाँ पे आपको विंडो क्रोम लाइन लुक मिल रहा है पूरा का पूरा इसमें, जस्ट देख सकते हैं आप लोग इसमें क्रोम फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है इसमें। यहाँ पर आपको बीच में ब्लैक पियानो फिनिश के पिलर्स मिल जाते हैं दोस्तों, ये काफ़ी चीज़ अच्छी दी हुई है इसमें। अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक की, देख सकते हैं आप लोग इसमें राइट हैंड साइड में आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और इसके अकॉर्डिंगली आपको नीचे की तरफ अगर पीछे के साइज़ की अगर बात करें तो फ्रंट रियर में भी आपको इसमें डिस्क मिलती है, काफ़ी सही दिया हुआ है। और टायर सेक्शन भी 205/55 R17 ही आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके रियर लुक के बारे में, और रियर से किस तरह से क्या रहने वाला लुक वो चीज़ पूरी बात करेंगे अपन। तो लाइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है दोस्तों इसमें, स्पोर्टी लुक आपको इसमें पूरा का पूरा दिखने वाला है, लाइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। स्कोडा का यहाँ पे बीच में बैजिंग साइन दिया हुआ है, और ऑक्टाविया आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में लिखा हुआ है दोस्तों, जस्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है दिखने में। कलर फिनिशिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है, और जो इसके पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं वो बॉडी कलर ही रहने वाले हैं आपके, और रियर कैमरा आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखता है। बूट स्पेस की अगर बात करें दोस्तों तो आपको 600 liters का आपको बूट स्पेस मिल जाता है इसमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको इसमें लुकिंग रहने वाली है पूरी की पूरी, बूट स्पेस वगैरह और बूट लैंप लाइटिंग वगैरह भी आपको इसमें LED मिल जाती है, जो दोनों साइड में आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। कुछ आपको हैंगर्स भी आपको इसमें यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही में अगर आपको सीट्स यहीं से फोल्ड करनी है तो सबसे बढ़िया कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं ये वाला बटन जो दिया हुआ है, इसको जैसे अपन प्रेस करेंगे तो देखिए आप ईजिली आपकी जो सीट्स हैं वो फोल्ड हो चुकी होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया है, इजी टू हैंडल है पूरा का पूरा, और इस तरह से आपका इसमें वापस से ये लॉक हो जाएगी सीट्स वगैरह। पार्शियल ट्रे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, और पीछे के पूरे जो मिरर्स हैं वो पूरे के पूरे उठते हैं इसमें, जो कांच के साथ में पूरी की पूरी डिक्की उठती है। और इलेक्ट्रॉनिक हुड दिया हुआ है आपको बूट लैंप, तो कुछ इस तरह का आप जैसे बटन दबाएंगे तो गाड़ी आपकी पूरी बंद हो चुकी होगी दोस्तों। सबसे मेन चीज़ जो है इसकी लुकिंग्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी हुई है, स्पोर्टी लुक दिया हुआ है पूरा का पूरा। नीचे की तरफ भी आपको अगर इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो ड्यूल एग्जॉस्ट आपको इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ इस तरह के आपको लुकिंग देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंटीरियर की, इंटीरियर से गाड़ी किस तरह से क्या रहने वाली और क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं वो चीज़ पूरी बात करेंगे अपन। सबसे पहले आपको डोर पैनल दिखाते हैं गाड़ी का, तो डोर पैनल आपको इसमें कुछ इस तरह का रहने वाला है, चारों पावर विंडोज़ आपको इसमें मिल जाते हैं। ये देखिए आप ORVM कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ORVM भी आपके हीटेड रहते हैं, फॉग लैंप जो फॉग वगैरह आपका बिल्कुल भी इसमें जमेगा नहीं। और यहाँ पे आपको बूट का ऑप्शन एक आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। साथ ही में अगर इसको बात करें नीचे की तरफ तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑक्टाविया की यहाँ बैचिंग मिल जाती है आपको, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अच्छा लगता है दिखने में।
अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में चलते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। सो सबसे पहले वाइड एंगल लुक करते हैं दोस्तों इसका, और कुछ इस तरह का रहने वाला है। ये देखिए आप, स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का आपका रहने वाला है इसमें, और पूरा का पूरा वर्चुअल कॉकपिट डिस्प्ले आपको इसमें स्पीडोमीटर में दिया हुआ है दोस्तों। अगर बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको दोनों मिलेगा इसमें, तो आपके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं इजीली। और पेडल शिफ्टर्स वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा इसके, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं जस्ट, और कुछ इस तरह का आपका रहने वाला है पूरा का पूरा। अभी गाड़ी मैंने पूरी की पूरी आपको स्टार्ट कर दी है। सो देखिए आप, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, वॉइस कमांड फीचर मिल जाता है, एज इट इज़ स्टीयरिंग आपको अच्छा खासा वही दो स्पोक का स्पेयरिंग व्हील्स आपको इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। लेदर स्टिच्ड है पूरा का पूरा, कंपनी फिटेड ही आता है पूरा का पूरा। काफ़ी प्रीमियम फिनिश आपको इसमें प्रोवाइड की गई है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे भी पूरा का पूरा फाइबर का यूज़ किया हुआ है, जो क्लोथिंग वगैरह होती है, और लेदर स्टिच किया हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको स्टिच किया हुआ है, लेदर तो यहाँ पे यूज़ किया हुआ नहीं है, फैब्रिक इसमें यूज़ किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश दी हुई है पूरी की पूरी। 10 इंच का आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसका भी अलग से वीडियो देखना हो और साउंड वगैरह देखना हो तो आप लोग इसमें देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से आपका रहेगा। ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा, और वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से हो जाएगी इसकी पूरी की पूरी। जस्ट अगर बात करें इसकी यहाँ की, तो TPMS वगैरह सिस्टम वगैरह दिया हुआ है, पार्क असिस्ट दिया हुआ है, हजार लाइट स्विच दिया हुआ है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा ऑप्शन आ गया। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है दोस्तों, बना हुआ टच स्क्रीन में। और ये आपके फॉग वगैरह का जो क्लियर करने का रहता है पूरा का पूरा, वो दिया हुआ आपको। सबसे मेन बात देखिए आप, जो एसी वेंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा और नीचे की तरफ इसमें कंबाइन किया हुआ, और ये बटन्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, जैसे कि आप एयरप्लेन में बैठे हों और जो कमांड पोजीशनिंग होती है या कमांड्स की बटनिंग होती है, आपको एयरप्लेन हैंडल कर रहे हो उस तरह की पूरी दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं दोस्तों दिखने में। ये क्रोम फिनिश देख सकते हैं आसपास, एसी वेंट के आसपास आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का पूरा सपोर्ट है, टाइप सी पोर्ट दिए हुए हैं 2 के 2, और जो फिनिश है और क्वालिटी है जो प्लास्टिक की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, उसमें भी लाइटिंग्स मिलती है आपको, अच्छा खासा बड़ा स्पेस आपको इसमें दिया हुआ है। लाइटिंग्स दे पे आप एमिनेंट लाइटिंग, आप इसके कलर चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से आपको क्या कौन सा कलर रखना है वो पूरा का पूरा इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट अगर बात करेंगे इसके हेडलाइट वगैरह की, तो यहाँ से अपन इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अपन इसको टच करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑन हो जाएगा, जैसे अपने ऑटो किया था इसकी हेडलाइट्स ऑन हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद में अगर एक और बार दबाएंगे तो LED खाली DRLs ऑन हो जाएंगी इसकी फॉग लैंप्स के साथ में, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं इसकी। और उसके जस्ट बाद में अगर बात करें इसके नीचे की तरफ, देख सकते हैं सबसे सरप्राइजिंग जो चीज़ रहती है इसकी, वो चीज़ ये रहती है दोस्तों। ये देखिए आप, इसका गियर लीवर ही नहीं है, बिल्कुल जरा सा एकदम स्पोर्टी फील तो पूरा का पूरा आपको ये देता है। पार्किंग का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और एक छोटा सा गियर लीवर दिया हुआ है इसको, जस्ट जैसे आपकी जॉयस्टिक रहती है गेमिंग की, उस तरह से आपको गेम लीवर इसका पूरा का पूरा दिया हुआ है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है दोस्तों दिखने में ये। उसके जस्ट बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स दिए हुए हैं, और ऑटो स्टार्ट स्टॉप रेक्यूपेशन बटन दिया हुआ है। आपको इसकी कीज दिखा देता हूँ मैं, किस तरह से रहने वाली प्रीमियम की आपको इसमें प्रोवाइड की गई है दोस्तों। ये देखिए आप, लॉक अनलॉक और बूट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और कुछ इस तरह की प्रीमियम की मिलती हैं आपको, 2 कीज़ आपको इसमें रहने वाली हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे भी हैंडरेस्ट में भी स्टोरेज आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। सीट्स वगैरह की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें भी आपको लेदर सीट्स यहाँ पे दी हुई हैं, लेदर स्टिच हैं पूरी की पूरी देख सकते हैं, और बीच में फैब्रिक का थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और बढ़िया लग रहा दिखने में। डोर पैनल वगैरह आपने देख ही लिए, क्रोम फिनिश वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके रूफ वगैरह की, तो देख सकते हैं पूरा का पूरा रूफ इसमें ब्लैक दिया हुआ है दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया है। सनग्लासेस होल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दी हुई है। प्लस आपको जो लाइटिंग्स के कंट्रोल्स वगैरह हैं, सनरूफ तो इसमें आपको आती नहीं, ऑक्टावे के टॉप एंड वेरियंट में आपको सनरूफ नहीं मिलेगी दोस्तों। और इसके जस्ट बाद में अगर यहाँ पे बात करें, देख सकते हैं आप लोग इसमें लाइटिंग्स वगैरह में भी, जैसे अपन मिरर ऑन करेंगे इसका वैनिटी मिरर का, लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएंगी आपकी, और ये आपको ड्राइवर साइड में भी मिलेगा। ये देखिए आप, जैसे आप इसको ऑन किया, ये लाइटिंग्स ऑन हो गई हैं आपकी और ये बंद हो गई हैं। ऐसे छोटे छोटे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं, ये टच पैनल दिया हुआ पूरा का पूरा, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं आपकी लाइटिंग्स वगैरह, तो ये अकॉर्डिंगली आप इसमें, ये देखिए आप, कुछ इस तरह की लाइटिंग्स आपकी इसमें रहने वाली है दोस्तों। आप जस्ट बात करेंगे वो IRVM इसका ऑटो ही रहने वाला है, यहाँ पर पूरा कंट्रोल्स आपको दिया हुआ है। और अगर बात करें इसके पीछे के स्पेस के बारे में, तो वो भी चीज़ों की पूरी बात करेंगे वाले हैं अपन, और पीछे भी बैठ कर देखते हैं गाड़ी में किस तरह से क्या स्पेस रहने वाला है। और ये देखिए आप, स्कोडा का यहाँ पे पूरा बैचिंग साइन बना हुआ आ जाता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है दिखने में। जस्ट अगर बात करें पूरा का इंटीरियर देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह का आपको लुक दे रहा है। 10-way एडजस्टेबल सीट्स आपको इसमें मिल जाती हैं ऑक्टावियम में, देख सकते हैं आप लोग, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है ये दोनों फ्रंट साइड्स की आपकी,
और मेमोरी प्री सीट्स आपको इसमें दी हुई है, तो जो भी आप तीन सेटिंग्स इसमें कर सकते हैं और इसको यहाँ पे रह करके सेट कर सकते हैं पूरा का पूरा। और ये देखिए आप 10-way इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल इसको आपको सीट्स आपको इसमें प्रोवाइड की गई है। स्पोर्टी पेडल्स आपको इसमें दिए हुए हैं। जस्ट अगर बात करते हैं अब इसके जस्ट रियर सीट्स की, तो रियर में देख लेते हैं किस तरह से क्या रहने वाला पूरा का पूरा। डोर पैनल कुछ इस तरह का रहने वाला दोस्तों। अब बात करते हैं इसके सनशेड्स वगैरह की, तो सनशेड्स आपको इस तरह से कुछ दिए हुए हैं ये, तो ये आपको पहले से ही प्रोवाइड किए हुए हैं। आप इसमें बैठ के देखते हैं और स्पेस वगैरह देखते हैं, अपने अकॉर्डिंगली सेट है ये पूरी की पूरी सीट्स वगैरह। तो आप देखिए आप स्पेस वगैरह इसमें कितना ज़्यादा स्पेस इसमें अभी भी बच रहा है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। एम्बिएंट लाइटिंग देखिए आप नीचे भी दी हुई है आपको। अगर इसमें केबिन लाइटें जलाते हैं दोस्तों अपन, तो जैसे अपन इसको टच करेंगे सबसे मेन चीज़ वो है वैसे ही जलेगा, तो काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है ये। इसको ऑन कर लेते हैं और इसके जस्ट बाद में आप देखिए रियर इसी वेंट में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ, ब्लैक पियानो फिनिश यहाँ पे भी आसपास दिया हुआ और टाइप सी पोर्ट भी आपको इसमें यहाँ पे दिया हुआ पूरा पूरा लाइटिंग सेटअप के साथ में दोस्तों। प्लस सन शेड्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं और अकॉर्डिंगली आप इसमें सेट कर सकते हैं। और तीन हेडरेस्ट आपको इसमें मिलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग इसमें कुछ इस तरह के हेडरेस्ट आपको इसमें मिलते हैं। जैसे इसको खोलते हैं अपन तो कुछ इस तरह का आपको हेडरेस्ट आपको मिलता है और ये कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा आपका। आराम से आप बोटल्स वगैरह या छोटा सा कप्स वगैरह रख सकते हैं इसमें और इजीली इसको इस तरह से हार्ड करके आराम से बैठ सकते हैं इजीली। कंफर्टेबल सीट्स दी हुई है, सपोर्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा, कुशनिंग वगैरह दिया हुआ है इसमें दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। प्लस आपको यहीं से एक्सेस करना है आपका बूट, तो जस्ट आपको इसको प्रेस करना है और कुछ इस तरह का आपका इसमें स्पेस वगैरह रहने वाला दोस्तों, और इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं आप बूट वगैरह को। देखिए आप पार्सल ट्रे के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस में दिया हुआ है। और ये देखिए आप पूरी की पूरी रूफ इसमें ब्लैक पर गई हुई है, काफ़ी बढ़िया है। डोर हैंडल्स भी पूरे ब्लैक किए हुए हैं और लुकिंग देखिए आप गाड़ी की दोस्तों, तो लुकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी हुई है और एक प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देती है पूरा का पूरा गाड़ी। जो परफॉर्मेंस है ना इस गाड़ी की दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दी हुई है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आपको, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो करना ही है, और लावा ब्लू कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं। सो यही था आज के इस वीडियो में, आपके एक बार पूरी हेडलाइट्स की व्यू भी आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह से रहने वाली है। ये देखिए आप कुछ इस तरह का रहने वाला है आपका लुक, इसका काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है इसमें। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आएगा आपको, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना शर्मा जी ब्लॉग्स को। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।